नमस्कार, मैं अदिति आप सभी का हुजूर्स किचन में स्वागत करती हूँ। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है गाजर मटर की सब्ज़ी की। बहुत जल्दी बनती है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। मेनली हमने इसमें जो रेड गाजर आती है उसका इस्तेमाल करा है, उससे ज़्यादा अच्छी टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। तो देखिए हमने ये कैसे बनाई है रेसिपी। सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। 2 चम्मच तेल लिए हमने यहाँ पे। तेल जब अच्छा गरम हो जाएगा तब हम इसमें 2 तेज़पत्ता डालेंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे 1/2 चम्मच और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम अदरक डालेंगे 1 इंच टुकड़ा बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च डालेंगे, इसको हल्का सा भुनेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 कप गाजर डाल देंगे जिनको हमने काट रखा है। ये डाल के हम इसे अच्छे से भून लेंगे इसमें 2 मिनट तक। मीडियम हीट पे रख रखा है हमने यहाँ पे गैस। ये जब अच्छा भुन जाएगा उसके बाद हम इसमें बाकी मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच ही जीरा पाउडर, और नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। फिर हम इसमें मटर डालेंगे 1 कप। ये मैंने फ्रेश मटर लिए हैं, आप चाहें तो फ्रोज़न लें तो बाद में डालें, अभी नहीं डालें। इसको हम अच्छे से भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हीट पे ये गैस हमारा। फिर हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी डालने से ये जलेगा नहीं मसाले भी और सब्ज़ी भी, और जल्दी अच्छी पक भी जाएगी। और हम इसमें ढक्कन लगा के इसको तब तक पकाएंगे जब तक नरम नहीं हो जाते सब्जियाँ। ये देखिए इसका पानी भी पूरा सूख गया है, हमारी सब्ज़ी और मसाले भी नहीं जले। ये हमारा गाजर भी पक गया है और मटर भी पक गया है। अब हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, आप चाहें तो नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारी रेसिपी तैयार है, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये। ये देखिए अब हम इसे सर्व करेंगे। इसको आप रोटी के साथ खाइए, परांठे के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। तो उम्मीद करती हूँ आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ हमारा वीडियो शेयर करें, और हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।